सो हेलो नमस्कार टू द ऑल केमिस्ट्री लवर्स डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स ऑफ द न्यू फ्यूचर। मैं विजय कुमार सोनी आपका हर बार की तरह स्वागत करता हूँ केमिस्ट्री वाला चैनल में रिगार्डिंग टू योर केमिस्ट्री, टू बूस्ट अप योर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री बनानी है हमको। इसी सीक्वेंस में हम बात करें तो पर्टिकुलर हम हेलो एरिन के लिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर चुके हैं कि जनरली रिएक्शन नहीं देते हैं वो लोग एज कम्पेयर टू हेलो एल्केन। रीजन क्या है, दो रीजन आपसे शेयर कर चुका हूँ। थर्ड रीजन बात करने जा रहा हूँ, that is the polarity of the carbon halogen bond. This is the third factor, is your polarity. This is the third factor, polarity of carbon halogen bond. Carbon halogen bond, is sequence mein baat kare to हेलो एल्केन में आपके पास में हम पहले भी बात कर चुके हैं, यहाँ कार्बन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। जबकि यहाँ हेलो एरिन में हम बात करें तो आपके पास में इस पोजीशन में हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। नो डाउट इस कार्बन की उस पोजीशन में परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर ज्यादा होने से, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा होने से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। जबकि इसकी बात करूं तो पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कम होने के कारण से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, तो उस पोजीशन में बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। हम पढ़ चुके हैं डायपोल मोमेंट की वैल्यू म्यू बराबर क्यू इंटू डी, यहां डी पोलैरिटी कम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो डी की वैल्यू बढ़ेगी, न्यू की वैल्यू भी ज्यादा होगी। इसी सीक्वेंस में अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपके पास में डायपोल मोमेंट मिलता है 1.69 डिवाइड, मींस दिस इज लेस पोलर, लेस पोलर बिकॉज ऑफ डायपोल मोमेंट आपके पास में लेस है। वहीं पे मैं हेलो एल्केन की बात करूं तो हेलो एल्केन के लिए आपके पास में पर्टिकुलर मिलता है जस्ट म्यू की वैल्यू 1.86 डिवाइड, यानी कि दिस इज द मोर पोलर, ज्यादा पोलर है तो इन दैट केस बॉन्ड इजी में डिसोसिएट होगा। सो यू विल से मोर पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, मोर पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड जस्ट लेस डिसोसिएशन एंथैल्पी of CX bond. So reactivity towards SN reaction of hello alkane increases. ये था आपके पास में थर्ड फैक्टर। फोर्थ फैक्टर की बात बताऊं तो वो आता आपके पास में इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल एंड विनाइल कार्बोकेटाइन। अगर हम बात करें फिनाइल की, फिनाइल क्लोराइड की या जस्ट एराइल हैलाइड की, तो एराइल हैलाइड में जब हेलोजन बॉन्ड को विड्रॉ कर लेगा तो आपके पास में सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, यहां आपके पास में बनेगा फिनाइल कैटायन और ये X माइनस। वहीं पे विनाइल हैलाइड की बात करूं तो विनाइल हैलाइड में भी बॉन्ड विड्रॉ करेगा तो CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस और ये X माइनस। यहां ये भी रेजोनेंस शो नहीं करेगा पॉजिटिव चार्ज होने के कारण से, और ये भी रेजोनेंस शो नहीं करेगा, सो नो रेजोनेंस, लेस स्टेबिलिटी, सेम नो रेजोनेंस, लेस स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी लेस होने के कारण से पर्टिकुलर दोनों के दोनों हेलो एरिन और विनाइल हैलाइड दोनों ही एसएन means due to
जस्ट अनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल एंड विनाइल कार्बोकेटाइन बोध हेलोएरिन एंड विनाइल हैलाइड विल लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स एसएन रिएक्शन। ये था आपके पास में इसका फोर्थ रीजन। इफ आई गो विद द फाइनल रीजन दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की बात करें तो पर्टिकुलर दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज दैट कि अगर हेलोजन में बात करूं तो यहां बी पाई इलेक्ट्रॉन काफी हैं और विनाइल हैलाइड में भी पाई इलेक्ट्रॉन काफी हैं। इन पर जब अटैक करेगा तो वो अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। यहां इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है दोनों पे। यहां पर न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज, दोनों पे सेम चार्ज होने के कारण से पर्टिकुलर रिपल्शन फोर्स काम करेगा। इजी वे में न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं होगा, इसीलिए पर्टिकुलर इनकी रिएक्टिविटी हेलो एल्किन की कंपेयर में लो होगी। तो आपके रीजन यहां क्या लिखेंगे, ड्यू टू हैविंग सेम चार्ज ऑन यू कैन से जस्ट हेलोरिन एंड न्यूक्लियोफाइल देयर विल रिपल्शन फोर्स बिटवीन देम पर्टिकुलर। इसीलिए न्यूक्लियोफाइल का इजी वे में हेलो एरिन में पर्टिकुलर बात करूं तो अटैक, हेलो एरिन के रिगार्डिंग बात करूं तो अटैक इजी वे में नहीं हो पाता। यही रीजन है कि हेलो एरिन पर्टिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजी वे में नहीं दे पाती। ये थे 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो इसी क्रम में आगे बात करें पर्टिकुलर कि किस प्रकार से इनकी फिर रिएक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है या किस प्रकार से हेलो एरिन की रिएक्टिविटी एसएन रिएक्शन के अलोंग इंक्रीज हो सकती है। तो पर्टिकुलर इस फैक्टर को आप देखें, अच्छे से समझें कि अगर मैं जनरली बात करूं हेलो एरिन के रिगार्डिंग, तो ये आपके पास में हेलोरिन है। हेलोरिन के रिगार्डिंग हम यहां पर क्लोरोबेंजीन ले लें, यहां NaOH के साथ रिएक्शन करवा दें NaOH के साथ में, तो नो डाउट टेम्परेचर लगभग 2623 केल्विन और लगभग 320 एटीएम प्रेशर के लगभग आपको रिक्वायरमेंट होगी, तब जाकर के ये बॉन्ड डिसोसिएट होगा और यहां पर्टिकुलर आपके पास में ONa बनेगा। फिर इस ONa ये यहां से HCl का रिमूवल हो गया, फिर से इसका एसिड के साथ रिएक्शन कराया या हाइड्रोलाइसिस करवाया ONa को, तब जाकर के आपके पास में पर्टिकुलर यहां फिनोल का फॉर्मेशन होगा। तो आप देख सकते हैं कंडीशन कितनी विग्रस रिक्वायर है, कंडीशन बहुत विग्रस रिक्वायर है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर प्रेशर की रिक्वायरमेंट होगी, अब जाकर के यहाँ पर फिनोल बनेगा। ये था आपके पास में क्लोरोबेंजीन के रिगार्डिंग और उस पोजीशन में आपके पास में ये एक नेमिंग रिएक्शन के रूप में काउंट होती है, उसे हम कहते हैं पर्टिकुलर डाऊ प्रोसेस, DOW डाऊ प्रोसेस।
लेकिन अगर हम इसकी रिएक्टिविटी बनाना चाह रहे हैं पार्टिकुलर, तो हम ये कह सकते हैं कि इफ इफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस, देन रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एरिन, दिस इज द एआरएक्स, टूवर्ड्स एसएन रिएक्शन, एसएन रिएक्शंस इंक्रीजेस। कैसे? पर्टिकुलर हम बात कर ले, यहां पर हमने डिस्कस कर लिया, ये ले लिया आपने क्लोरोबेंजीन, यहां ऑर्थो पोजिशन में आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर दिया, जिसको हम कहेंगे ओ क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। यहां आपने पर्टिकुलर क्लोरीन के साथ ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे आपने एनो टू अटैच कर दिया, दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर दिया, यहां तीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर दिए कुछ इस प्रकार से। तो यहां सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन मीन्स मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होने के कारण से इसको आप स्लाइट वाटर के साथ में बॉइल कर देंगे तो भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजी वे में हो जाएगी बाय द रिमूवल ऑफ एचसीएल, और यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा आपके पास में एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड का, जो कि अपने आप में है तो फिनोल, बट थ्री इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के कारण, थ्री इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के कारण ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड के रूप में काम करता है। वैसे 246 ट्राई नाइट्रोफिनोल, बट थ्री इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के कारण ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करता है, इसीलिए पर्टिकुलर इसको पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो फॉर द सीबीएसई की पिक्रिक एसिड क्यों कहते हैं इसको, तो जवाब आपके सामने, थ्री इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के कारण पर्टिकुलर ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है। यहां पर्टिकुलर अगर मैं बात करूं तो रिएक्टिविटी थोड़ी सी कम मिलेगी इसकी कंपेयर में, क्योंकि टू ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहां रिएक्टिविटी और थोड़ी कम मिलेगी क्योंकि यहां पे एक ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहां लगभग NaOH के साथ रिएक्शन करवानी पड़ेगी और जस्ट 444 केल्विन टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी, तब जा करके यहां अप्रोक्सीमेटली यहां OH और NO2 का फॉर्मेशन होगा, ओ नाइट्रोफिनोल का प्लस NaCl का रिमूवल होगा, ओ नाइट्रोफिनोल। और यहां बात करूं तो मैं पर्टिकुलर जस्ट टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने के कारण से टेम्परेचर और भी कम रिक्वायर्ड होगा, 368 यू कैन सी हायर लोअर लोअर एंड लोएस्ट, तो यहां पर्टिकुलर आपके पास में इजी वे में हो जाएगा इसकी कंपेयर में, तो ये हो जाएगा आपके पास OH NO2 और ये था NaCl, यहां बनेगा 2,4-dinitrophenol। ये था आपके पास में पर्टिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रिगार्डिंग टू हेलो एरिन। सो इसी क्रम में, इसी सीक्वेंस में आपसे फिर मुलाकात होगी विद द अनदर केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एरिन, जस्ट यू कैन से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड रिएक्शन विद मेटल। टिल देन शुक्रिया, धन्यवाद।